बॉलीवुड न्यूज स्टेशन से विजय तस्वीर। अयोध्या भव्य श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राम मंदिर आंदोलन के वरिष्ठ पत्रकार प्रेस क्लब अयोध्या के अध्यक्ष महेंद्र त्रिपाठी का राम मंदिर आंदोलन के लिए की गई पत्रकारिता के लिए फिल्मी दुनिया की नामचीन सितारों ने की जमकर तारीफ। जानी मानी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भव्य श्री राम उद्घाटन के अवसर पर फूलों की वर्षा की। राम मंदिर के शिखर पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हो रही थी तो वे जोरदार तरीके से जय जय श्री राम का उद्घोष कर नारे लगाए। तभी सभी उपस्थित सितारे भी जय श्री राम के नारे लगाते रहे, जिसमें जाने माने अभिनेता अनुपम खेर, विवेक ओबेरॉय, मोहन जोशी, मनोहर जोशी, श्री कृष्ण सीरियल के कृष्ण ताई, मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल के अभिनेता पद्मश्री पोपटलाल आदि नामचीन फिल्मी स्टारों ने जय उद्घोष का नारा किया। अरुण गोविल, दीपिका, श्री राम का भव्य उद्घोष कर भव्य श्री राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का स्वागत अभिनंदन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के प्रति आभार प्रकट किया। सभी ने इसका आनंद से विश्व का आनंद मिला हो। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम बात करने जा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र भाई त्रिपाठी से। महेंद्र भाई त्रिपाठी प्रेस यूथ अयोध्या के प्रेसिडेंट भी है और ये एक ऐसे फोटोग्राफर है, एक ऐसे लौटे फोटोग्राफर है जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी का फोटोग्राफ लिया था और पूरी कहानी आज स्वयं महेंद्र भाई त्रिपाठी से सुनेंगे। महेंद्र भाई, आप उस वक्त वहाँ मौजूद थे, आप एक छोटे फोटोग्राफर उनके पास में काम करने के लिए, आपसे मुंह से आज हम सुनेंगे पूरी कहानी हो जाती जो विभिन्न हुई। देखिए, चूँकि जो है मुझे 42 वर्ष हो गए पत्रकार का करते हुए जी, और रामलला के दरबार में मैं लंबे समय तक श्री राम जन्मभूमि स्टूडियो भी चलाया। यही वजह है कि चाहे राम जन्मभूमि का ताला खोलना हो, चाहे शिलान्यास होना हो, चाहे वर्ष 1990 का कार चौकों पर गोलीकांड हो, चाहे 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिरना हो, और तमाम ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है, कैमरे में कैद किया है। यही वजह है कि CBI ने मुझे 2 बड़े मुकदमे में अपना कथनी गवाह ही बनाया। एक बड़ा मुकदमा जो रायबरेली कोर्ट में CBI के चला है सरकार बम लाल की सटवानी के भड़काऊ भाषण का था। एक मुकदमा चला है CBI के लखनऊ कोर्ट में जो राम मंदिर खजाना लूटने चला है। अच्छा, दोनों का मैं तस्दीक गवा रहा हूँ। और राम मंदिर का जो एक और मुकदमा जमीन का चला है कि ये बाबरी मस्जिद है कि राम जन्मभूमि है जी, तो उसने जितने सबूत राम मंदिर के न्यायालय में दाखिल किए गए वो फोटोग्राफ के रूप में मेरे ही दाखिल किए गए थे, क्योंकि अशोक सिंघल जी विश्वंधु प्रसाद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि आपके पास सारी तस्वीरें हैं, आप दे दीजिए। तो मैंने चंपत जी को दिए थे जो आई समय ट्रस्ट के महामंत्री जी। तो न्यायालय में दाखिल हुए, फिर अंततः ये फैसला राम भक्तों के पक्ष में आया कि ये बाबरी मस्जिद नहीं है, राम मंदिर है। इतना सौभाग्य मिला। और दूसरी अद्भुत चमत्कारिक बात जो आप पूछ रहे हैं बार बार जी, तो 14 जनवरी 1992 को राम भक्त नरेंद्र मोदी से भी मेरी मुलाकात रामलला दरबार में हुई जी। उस समय उनका कोई बड़ा नाम नहीं था जी, उस समय वो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के साथ आए थे, एकता यात्रा निकली हुई थी। और रामलला का प्राकट उत्सव उसे कहते हैं जब बताई जा रही कि रामलला की मूर्ति उसमें जब पधारी गई है तब से ही उत्सव चल रहा है, वो 14 जनवरी होती है। तो हमने उनसे कुछ सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं दोबारा तभी आऊँगा जब राम मंदिर का निर्माण होगा। कहीं न कहीं वो आदि शक्ति उनके अंदर समा गई थी रामलला की, जो उनके मुखार बिंदों से ही हुआ। और 29 वर्ष तक वो फिर दोबारा अयोध्या नहीं आए, फिर तभी आए जब अपना संकल्प उन्होंने पूरा किया। तो वो तारीख थी 5 अगस्त 2020। 5 अगस्त 2020 को रामगढ़ प्रधानमंत्री जो कभी 14 जनवरी 1992 को उन्होंने संकल्प लिया, अपने संकल्प को पूरा उन्होंने तब किया और राम मंदिर का आधारशिला रखी। अब रामगढ़ प्रधानमंत्री जो है 22 जनवरी को आ रहे हैं राम मंदिर का उद्घाटन कर। ये सब सारी चीज़ें इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गई। यही वजह है कि मुझे राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय जी ने, उनकी पूरी टीम ने मुझे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के और मंदिर उद्घाटन का आमंत्रण निमंत्रण दिया है 22 तारीख जी। मैं जाऊँगा और आपको बता दूँ 32 वर्ष हो गया मैंने कैमरा नहीं उठाया, क्योंकि मैं रामलला दरबार में ही फोटोग्राफी करता था। रामलला दरबार
जब जो है 6 दिसंबर बांदे को गिर गया वो, तो मेरे मन में आया कि इससे खूबसूरत जगह तो कोई है नहीं। मैंने भी संकल्प लिया कि जब राम मंदिर बनेगा तब ही कैमरा उठाऊंगा, तो अब वक्त आ गया है जी बिल्कुल। और 22 जनवरी को मैं अंदर जाऊंगा जी, और मुझे सौभाग्य अगर मिला तो प्रधानमंत्री जी से ही मेरी मुलाकात होगी। लेकिन जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है कोई कैमरा नहीं जाएगा जी, तो लगता है अभी मुलाकात अभी नहीं होने वाली है और अभी फ़ोटो भी नहीं खींच पाऊँगा। लेकिन अगर मुलाकात मेरी कभी हुई तो मैं सारी तस्वीरें उनको दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि मैंने ही आपको राम भक्त, जब आप एक साधारण राम भक्त बन के आए मैंने आपका इंटरव्यू किया था और आपने संकल्प 32 वर्ष बाद पूरा कर दिया है, बधाई देता और मुझे खुशी होती, लेकिन अभी इंतज़ार करना है। महेंद्र भाई, उस वक्त के आपके हाव भाव क्या थे जब आपने नरेंद्र भाई को पूछा के, मोदी जी को पूछा के अब कब आओगे, तो क्या आपको ये लगा मेरा था कि हाव भाव इसलिए बढ़ गया था उनके प्रति? आमतौर पे जो भी कोई किसी भी मंदिर में दर्शन करने कोई जाता है जी, तो 2 मिनट 1 मिनट दर्शन किया चला गया जी। ये तो नरेंद्र मोदी जी 5-10 मिनट तक वहाँ रुक गए बिल्कुल रामलला दरबार। अब मुझे लगा जैसे कोई इनकी वार्ता हो रही या कोई साधना हो रही, तो मुझे फिर उनसे पूछना ही पड़ा। तब उन्होंने जब जवाब दिया तो वो आपके सामने है, जवाब भी ऐसा दिया कि उनके ऊपर राम जी की कृपा हो गई और देश के प्रधानमंत्री बन गए और राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब कर्मों का फल है बिल्कुल। कोई राम जी की इनके बहुत बड़ी कृपा है जो अब देश दुनिया को देखने के लिए सभी जो है की मनोकामनाएं किसी की पूर्ण नहीं होती है, राम जी की कृपा है। 500 वर्षों तक वन में चल गए तो कहीं ना कहीं सौभाग्य राम जी ने दे दिया बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें भी दिया हमें भी दिया, हमारे माध्यम से सबूत दाखिल हुए सारे फैसले आ गए और उनके माध्यम से राम मंदिर का निर्माण हो गया, देश दुनिया देख रही है। तो ये ऐतिहासिक घटना है और इसे इस रूप में भी देखना जाना चाहिए कि जो लोग आमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनको भी लगता है कि बहुत बड़ा उनका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि राम किसी दल के नेता नहीं है, किसी पार्टी के नेता नहीं है, राम करोड़ों राम भक्तों के आराध्य हैं और किसी पार्टी को ये अधिकार नहीं है वो भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन का विरोध करके अपनी राजनीति करे, तो वो राजनीति चलने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि वो आमंत्रण ठुकरा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि देश दुनिया के जो राम भक्त हैं उन्हें ठुकरा दें, क्योंकि आने वाला चुनाव जो है मुझे लगता है कि राम भक्त प्रधानमंत्री तीसरी बार वो राजा राम की सरकार चलाने वाले हैं, तो जवाब मिल जाएगा उन लोगों को भी जो लोग आमंत्रण ठुकरा रहे हैं। राम जी की कृपा है और राम जी के काज में जो भी आए सबका स्वागत है, किसी को इस तरह का आमंत्रण ठुकराना या बयानबाजी करना वो शायद शोभा नहीं देता। और हर एक व्यक्ति देश दुनिया का जो राम से जुड़ा है और वो राम का जो है विरोध बर्दाश्त नहीं होगा, तो हम लोग यही कहेंगे सद्बुद्धि आ जाए और अभी भी राम के चरण में आ जाए, आए दर्शन करें, आशीर्वाद ले, हो सकता है राम जी की कृपा हो जी। जय श्री राम। मैं इस वक्त जो है भव्य रामलला के दरबार में हूँ, चूँकि आज भव्य रामलला दरबार का उद्घाटन राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज हो गया है और ये करोड़ों राम भक्तों का जो सपना था आज राम भक्त प्रधानमंत्री जी ने पूरा कर दिया है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो है तमाम भक्तों का नज़ारा अभी भी उमड़ा पड़ा है और यही वजह है कि 500 वर्षों तक सियासत के इस खेल में राम मंदिर उलझा रहा कि बाबरी मस्जिद है कि राम मंदिर है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब ये फैसला आ गया था तो राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभाले और राम भक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी सत्ता संभाली, तो संयुक्त रूप से अयोध्या का कायाकल्प हो गया और आज यही वजह है कि दोनों राम भक्त प्रधानमंत्री राम भक्त मुख्यमंत्री के द्वारा आज जो है भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है और जो है तमाम देश दुनिया के जो भक्त हैं, जो बलिदानी कार सेवक हैं, उनका सबका सपना पूरा हुआ है। अब कहीं न कहीं मोदी सरकार और योगी सरकार ने उन राम भक्तों को भी श्रद्धांजलि दी है।